एलन संचार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आते हैं हेडलाइंस पर। टैलेंट टेक्स ओवरसीज 2024 परीक्षा का ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजन। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को कैश प्राइज और स्कॉलरशिप के साथ मिलेंगे कई आकर्षक इनाम। एलन कोटा में हेल्थ चेकअप कैंप हील का आयोजन, 540 स्टूडेंट्स हुए लाभान्वित, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए दिया मार्गदर्शन। एलन जयपुर में पीएनसीएफ विक्ट्री सेलिब्रेशन का आयोजन, मेधावी स्टूडेंट्स को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी देकर किया सम्मानित, स्टूडेंट्स ने जमकर किया एंजॉय। एलन देहरादून में मोटिवेशनल सेशन का आयोजन, सेंटर हेड गिरीश गौड़ सर ने स्टूडेंट्स को किया मोटिवेट। एलन पीएनसीएफ कोटा और मल्टीमीडिया विभाग की ओर से स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन डिजाइन एंड डिजिटल फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला को लेकर उत्साहित दिखे स्टूडेंट्स। और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एलन ओवरसीज की ओर से यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर और सऊदी अरब में टैलेंट टेक्स ओवरसीज 2024 परीक्षा का ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में आयोजन कराया गया। संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान में ऑफलाइन, वहीं बहरीन, कतर, सऊदी अरब में ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई। टैलेंट टेक्स परीक्षा में कक्षा 5वीं से 11वीं तक के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब हर किसी की निगाहें टैलेंट टेक्स ओवरसीज 2024 के परिणामों पर टिकी हुई है। इसके साथ ही मेधावी स्टूडेंट्स को ओवरसीज क्लासरूम कोर्स के लिए साल 2024-25 में स्कॉलरशिप का भी अवसर मिलेगा। आपको बता दें, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को 2 करोड़ तक कैश प्राइज, 20 करोड़ की स्कॉलरशिप, ग्लोबल रैंक और एलन ओवरसीज क्लासरूम पाठ्यक्रमों के लिए 90% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। एलन स्टूडेंट्स की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सेहत के लिए भी प्रतिबद्ध है। एलन पीएनसीएफ और एलन हेल्थ जोन के संयुक्त तत्वावधान में हेल्थ चेकअप कैंप हील यानी हेल्थ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लाइफस्टाइल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एलन हॉल टाइम एग्जीक्यूटिव अविरल माहेश्वरी सर, वाइस प्रेसिडेंट रजनी सोगानी सर और वाइस प्रेसिडेंट और पीएनसीएफ हेड अमित गुप्ता सर ने उपरना उड़ाकर और पौधे भेंट कर चिकित्सकों को सम्मानित किया। एलन हेल्थ जोन प्रभारी डॉक्टर गौरी सेठी मैम ने बताया कि कक्षा 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित इस कैंप में कुल 540 स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य की जाँच की गयी, उन्हें भविष्य में हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए मार्गदर्शन दिया गया। कैंप में डॉक्टर गुंजन तोमर ने डेंटल चेकअप, डॉक्टर दीपेश छबलानी ने आई चेकअप, डॉक्टर गौरी सेठी ने हेल्थ चेकअप सेवाएं दी। इस मौके पर स्टूडेंट्स को हेल्थ कार्ड बनाकर दिया गया, उनके स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। एलन जयपुर पीएनसीएफ डिवीजन की ओर से विक्ट्री सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। विक्ट्री सेलिब्रेशन में विभिन्न परीक्षाओं में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और उपहार देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही फैकल्टीज और स्टूडेंट्स की ओर से कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें फैशन शो, डांस, ड्रामा और सिंगिंग शामिल रहे। उत्साह से चमकते और मुस्कुराते हुए सभी स्टूडेंट्स ने विक्ट्री सेलिब्रेशन में जमकर एंजॉय किया। इस मौके पर एलन वाइस प्रेसिडेंट तुषार पारिक सर, जेई मेंटर अमर मंत्री सर, प्री मेडिकल मेंटर दीपक पारिक सर, पीएनसीएफ मेंटर नवनीत सुकलेचा सर और एलन टीम मेंबर्स मौजूद रहे। अब बुलेटिन में रुख करते हैं संचार मेगा क्विज विनर्स की ओर। सबसे पहले आपको बताते हैं 5 नवंबर को पूछे गए संचार मेगा क्विज का सही जवाब। सवाल था, एलन लैंग्वेज असेसमेंट ने किस अंतरराष्ट्रीय शहर में सेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलंबो। और ये रहे विजेताओं के नाम। राजकोट गुजरात से निसर्ग रामोलिया, जयपुर राजस्थान से कृतिका अग्रवाल, मुरैना मध्य प्रदेश से रामकरण माहौर, मधुबनी बिहार से साक्षी मिश्रा, श्री गंगानगर राजस्थान से देव गर्ग। एलन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए समय समय पर मोटिवेशनल सेशन का आयोजन कराता है। हाल ही में एलन देहरादून ने स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेशन का आयोजन किया। सेशन 2 पारियों में चला। इस अवसर पर सेंटर हेड गिरीश गौड़ सर ने स्टूडेंट से संवाद कर उन्हें प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया एग्जाम में सही परफॉर्म करने की रणनीति और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को कैसे संतुलित रखा जाए। सेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स काफी उत्साहित और ऊर्जावान नजर आए। एलन पीएनसीएफ कोटा स्टूडेंट्स के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित है। इसके तहत समय समय पर स्टूडेंट्स के लिए कौशल विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
इस दिशा में पीएनसीएफ कोटा और मल्टीमीडिया टीम ने संयुक्त रूप से पीएनसीएफ के स्टूडेंट्स के लिए कम्युनिकेशन डिजाइन इन डिजिटल फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का प्राथमिकी उद्देश्य युवा स्टूडेंट्स में डिजाइन संबंधी तकनीकी योग्यताओं की जानकारी देना रहा और साथ ही डिजाइनिंग के क्षेत्र में करियर विकल्पों के बारे में स्टूडेंट्स को जागरूक किया। एलन वाइस प्रेसिडेंट और पीएनसीएफ हेड अमित गुप्ता सर ने बताया कि तेजी से विकसित होती दुनिया में डिजाइनिंग विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण करियर विकल्प बन रहा है, जिससे ये कार्यशाला इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए अभी से ही उपयुक्त विकल्प बन जाए। फिलहाल ये कार्यशाला शुरुआती दौर में हमने हमारे एक कैंपस में आयोजित की है और भविष्य में इस कार्यशाला के माध्यम से हमारा उद्देश्य अन्य कैंपसेस और कक्षाओं के स्टूडेंट्स को भी लाभान्वित करना है। कार्यशाला को लेकर स्टूडेंट्स काफी उत्साहित दिखाई दिए। समापन पर प्रतिभागी स्टूडेंट्स को प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। फिलहाल एलन संचार में इतना ही। एलन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एलन संचार। नमस्कार।